सोलन के गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के गठन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और परिजनों को समझाया गया कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का क्या महत्व है और इसके गठन से परिजनों को क्या लाभ होने वाला है। सोलन के गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल में बैठक आयोजन किया गया। बैठक के दौरान स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के गठन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और परिजनों को समझाया गया कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का महत्व क्या है और इसके गठन से परिजनों को क्या लाभ मिलेगा। उपस्थित परिजनों ने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के गठन को लेकर स्कूल प्रबंधन का स्वागत किया और परिजनों ने 13 सदस्यों के नाम स्कूल प्रबंधन को दिए। स्कूल के निदेशक मंडल के सदस्य और प्रधानाचार्य ने कहा कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से जहां बच्चों को पेश आ रही दिक्कतों और असुविधाओं का पता चलेगा, वहीं दूसरी ओर स्कूल का विकास कैसे किया जा सकता है, इस पर परिजन एक महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पहले स्कूल प्रबंधन जो निर्णय लेता था, परिजन उसका अनुसरण करते थे, लेकिन अब परिजन भी प्रबंधकों के निर्णयों, नियमों और नीतियां बनाते समय बराबर के हिस्सेदार होंगे, जिससे स्कूल की गतिविधियों में पारदर्शिता आएगी और परिजनों से प्रबंधन का सीधा संवाद होगा। आज गुरुकुल इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पेरेंट्स बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन करने के लिए ओपन हाउस था। पेरेंट्स ने डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट किया और उन्होंने अपनी नॉमिनेशंस भी दी। हमारे पास अबाउट 13 नॉमिनेशंस आई और बाकी पेरेंट्स ने उसको अप्रूव किया। अब पहले भी पीटीए स्कूल में काम करता था, बट ये अब जो गठन हुआ है वो एसएमसी का है, स्कूल मैनेजिंग कमेटी का, कि मैनेजमेंट के साथ पेरेंट्स मिलके स्कूल के डेवलपमेंट प्लान में जितना भी कैलेंडर बनता है या जो स्ट्रैटेजीज हमें अडॉप्ट करनी चाहिए स्कूल में, क्या बच्चों के लिए बेटर होगा, उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकेंगे। अभी तक हम लोग सारी पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज बनाते थे, पेरेंट्स को कैलेंडर दे देते थे तो पेरेंट्स उसको फॉलो करते थे। मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा तरीका है, बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक रहेगा और बहुत सारे आइडियाज़ हमारे पास आएंगे जो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा देंगे। मेरे पास शब्द नहीं है अपने स्कूल के पेरेंट्स का धन्यवाद करने के लिए। वो हमारे स्कूल की रीढ़ की हड्डी हैं और हर समय हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमें सहयोग देते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं और इसीलिए गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल 12 सालों में मात्र इतनी ऊंचाई पे आ गया है और अभी सपने बहुत हैं और यात्रा बहुत लंबी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अच्छे इंसान भी बनाना है बच्चों को, सिर्फ काम मार्क्स की बात नहीं है। पेरेंट्स अपनी बात रख सकेंगे, पेरेंट्स के अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बात रख सकेंगे। हमारी कोशिश ही रहती है कि बच्चों और हमारे टीचर बिल्कुल आपस में इस तरह से आपस में रहे कि किसी को डर ना लगे कि मेरा टीचर है, मेरा ये है। अगर किसी को इस बात की कोई शंका रहती है तो पेरेंट्स के पास कोई बात आती है तो वो हमारे पास डायरेक्ट आए कि आपके स्कूल में ये हो रहा है, आपकी टीचर फलानी मारती है या कोई डांटती है या कोई वो बढ़िया नहीं पढ़ा रही, तो कई बार ये बात पेरेंट्स बोल नहीं पाते। अब उनके माध्यम से अगर कोई बात हमारे पास आएगी तो हम उसको अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए एसटूडियो के साथ। नमस्कार।